हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम खौफ खुदा में बहुत रोया करते थे। एक दफ़ा इतना रोए कि उनके रुखसार फट गए, उन पर से गोश्त और चमड़ा गायब हो गया और बिल आखिर उनके दांत वाज़ेह तौर पर नज़र आने लगे। आपकी वालदा मोहतरमा ने ये देखा तो उनसे रहा ना गया, फरमाया, बेटा मुझसे ये तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती, अगर मैं तुम्हारे दांतों के छुपाने का बंदोबस्त करूं तो कैसा रहेगा। आपने अर्ज़ की, बहुत बेहतर, जैसे आपकी मर्ज़ी। आपकी वालदा मोहतरमा ने ऊन लेकर उससे एक फाया सा बनाया और आपके रुखसार मुबारक पर रख दिया, लेकिन हज़रत यहया अलैहिस्सलाम जब रोना शुरू करते तो वो फाहा तर हो जाता। आपकी वालदा मोहतरमा उस गीले फाये को उतार कर उसकी जगह नया खुश्क फाया रख देती। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम फिर रोते और वो फाया फिर आपके आंसुओं से तर हो जाता। आपकी वालदा मोहतरमा उसे फिर बदलती और कई बार ऐसा हुआ। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब अपने मानने वालों को वाज व नसीहत फरमाते तो लोगों से पूछ लेते कि तुम में हज़रत यहया अलैहिस्सलाम तो नहीं बैठे, अगर आप बैठे होते तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम आपकी बहुत ज़्यादा रिक्कत कल्बी का लिहाज करते हुए क़यामत और जहन्नम का जिक्र ना करते। एक दिन ऐसा हुआ कि हज़रत यहया अलैहिस्सलाम मजमा में एक तरफ सर ढाँप कर छुप कर बैठ गए ताकि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम उन्हें देख ना सकें। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम आए और हसब मामूल वाज शुरू करने से पहले लोगों से पूछा कि तुमने हज़रत यहया अलैहिस्सलाम तो नहीं बैठे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम आए और हसब मामूल वाज शुरू करने से पहले लोगों से पूछा कि तुम में हज़रत यहया अलैहिस्सलाम तो नहीं बैठे। क्योंकि लोगों को आपकी मौजूदगी का इल्म ना था इसलिए सब ने कहा नहीं, लिहाजा आपने बड़े रिक्कत अमेज़ लहजे में अपना वाज का आगाज़ किया और फरमाया, भाइयों मेरी बातें गौर से सुनो, अपने रब से डरते रहा करो। अभी अभी मेरे पास जिब्रील अमीन ये पैगाम लेकर आया है कि अल्लाह ताला ने जहन्नम में एक दर्जा तैयार कर रखा है जिसका नाम वादी सुकवान है। उस वादी में अल्लाह ताला ने एक पहाड़ बनाया है जिसको गजबान कहा जाता है। जहन्नम की इस वादी से सिर्फ वही बच सकेगा जो दुनिया में अल्लाह के खौफ से बहुत रोया करता था। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम ने जब आपका ये वाज सुना तो एक दर्दनाक चीख मारी और बेहोश होकर गिर पड़े। काफ़ी देर बेहोश रहने के बाद जब आपको अफाका हुआ तो आपने फिर रोना शुरू कर दिया, अपने कपड़े फाड़ दिए और सर में खाक डालते हुए जंगल की तरफ चले गए। आपकी हालत देखकर सब लोग भी रोते हुए आपके पीछे जंगल की तरफ चल दिए, मगर जंगल में तलाश और बस्तियार के बावजूद आपको ना पा सके। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम इस हालत से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और उनकी गुमशुदगी के गम की वजह से बेहोश हो गए। लोग आपको चारपाई पर डालकर आपके घर वापस लाए। जब आपकी जौजा मोहतरमा ने यह सूरत हाल देखी तो लोगों से हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा। लोगों ने उनको सब कुछ बता दिया जिससे उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की वालदा ने जब ये बात सुनी तो सब्र ना कर सकी, अपनी लाठी उठाई और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की तलाश में निकल पड़ी। आपकी वालदा 3 दिन तक मुसलसल जंगल में आपको तलाश करती रही मगर आप ना मिले। बिलआख़िर आपकी वालदा ने चंद चरवाहों को देखा जो जंगल में बकरियां चरा रहे थे। उन्होंने उन चरवाहों से आपके बारे में पूछा। चरवाहों ने कहा, और तो हमें कुछ नहीं मालूम, अलबत्ता गुज़श्ता रात हमने इस पहाड़ से किसी आदमी की आवाज़ सुनी थी जो ये कह रहा था, हाय अफसोस, जहन्नम में वादी सुकवान भी है, हाय अफसोस, वहाँ गज़बान पहाड़ भी है, हाय अफसोस, जहन्नम की आग कितनी सख्त गर्म है। आपकी वालदा पहाड़ की तरफ गईं तो देखा कि हज़रत यहया अलैहिस्सलाम वहाँ गमज़दा और परेशान हालत में बैठे हुए हैं और वही कुछ कहे जा रहे हैं जो चरवाहों ने बताया था। उन्होंने आपको उठाया, सीने से लगाया
और फिर साथ लेकर वापस घर की तरफ लौट आईं। घर आकर आपकी वालदा ने जौ की रोटी और गोश्त आपके सामने रखा और कहा, बेटा, अल्लाह ताला ने माओ के औलाद पर जिस हक की कसम उठाई है, मैं तुझे उसी का वास्ता देकर कहती हूँ कि मेरी बात मान जा, ये खाना खा ले और कम अज कम आज की रात ही आराम कर ले, ये बोसीदा कपड़े भी उतार दे। हजरत यहया अलैहिस्सलाम माँ की ममता के सामने मजबूर हो गए और रो पड़े, लेकिन फिर खाना तनावल करना शुरू कर दिया और खाने के बाद सो गए। जब सहरी का वक्त हुआ तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास आए और आपके पांव हिलाकर आपको बेदार कर दिया। कहने लगे, जनाब यहया अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला आपको सलाम कहते हैं और फरमाते हैं कि शायद आपको मेरे घर से बढ़कर कोई और अच्छा घर मिल गया है, जिसकी वजह से आप आराम से सो रहे हैं। मुझे मेरी इज्जत और जलाल की कसम, अगर आप मेरी जन्नत को सिर्फ एक बार देख लेते तो सारी उम्र उसके शौक में ही रोते रहते, और अगर आप मेरी तैयार की हुई आग को देख लेते तो उसके खौफ से आपकी हड्डियां पिघल जाती। ये सुनकर हजरत यहया अलैहिस्सलाम अपने बिस्तर से उठे और शिद्दत गम से रोते हुए बाहर निकल गए। इसके बाद उनकी वालदा ने उनकी मैयत ही देखी। हजरत यहया अलैहिस्सलाम को किसी बदबख्त जालिम ने कत्ल कर दिया था। नाज़रीन, नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह नेहरबान।